ओम शांति। 17 मई 2021 की मुरली से शिववाणी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। प्रश्न: भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? उत्तर: बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। धारणा के लिए मुख्य सार है: नंबर 1, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। नंबर 2, ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है, इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। वरदान: आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन: रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। और अंत में, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।